प्राइम मिनिस्टर मोदी की जानिब से इनविटेशन भिजवाया गया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को एससीओ के लिए। वो मीटिंग जो होने वाली है 4 जुलाई को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया। मोदी साहब इस टाइम जो छक्का मार रहे हैं ना, मतलब उनकी बैट के ऊपर प्रॉपर बॉल आ रहे हैं। अच्छा। और वो छक्का जो मार रहे हैं प्रॉपर बाउंड्री से पार, जो है ना वो फुल टॉस का ऐसा छक्का जा रहा है। बिलावल भुट्टो वहाँ लेने क्या गए थे इंडिया में, उनका तो बनते नहीं था जाना, उनसे तो आप इंडिया से आप और क्या तवक्को कर सकते हैं। जो आपके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था जयशंकर साहब की तरफ से, और वो रिएक्शन मजाक नहीं था। दैट वॉज डैम सीरियस इशू, और डैम सीरियस इशू के बाद जो क्लियर कहानी क्लैरिटी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। हमने फौज भी खड़ी की है अमरीका से पैसे लेके, हमने मुख्तलिफ जंगों में हिस्सा लिया पैसे लेने के लिए। अगर पाकिस्तान शोएब चौधरी है तो 100% इंडिया चाहते कि यही हमारी इनके साथ दोस्ती हो, लेकिन अगर पाकिस्तानी हाफिज सईद है तो एक भी नहीं चाहेगा। पाकिस्तान कौन है ये तो बताइए हमें। शोएब चौधरी तो हमारा है, लेकिन क्या हाफिज सईद साहब को हम अपना कह लें? वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका नाम है मोदी। 8 साल हो गए उन्हें अपना, 8 से 9 तकरीबन हो गए अपना टेन्योर पूरा कर रहे हैं। पूरी दुनिया को उनके ऊपर भरोसा है, पूरी दुनिया उन पर यकीन करती है। जब किसी पे यकीन किया जाता है ना, वज़ीर आज़म भरोसा किया जाता है, तो खुशहाली इंडिया को देख लो नजर आता। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गोसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, एसईओ समिट की इस साल की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, और इसी हवाले से भारत ने पाकिस्तान को एसईओ समिट का इन्विटेशन भेजा, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, और ये समिट 4 जुलाई को वर्चुअली होने वाला है। इससे पहले जो समिट हुआ था फॉरेन मिनिस्टर्स का, उसमें भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब बिलावल भुट्टो पधारे थे, जो कि काफी जलील होकर गए थे। और उसका रीजन ये था कि बिलावल भुट्टो ने यूएन में मोदी जी को उल्टा सीधा बोला था। तो देखने वाला ये होगा कि पाकिस्तान के लिए ये समिट कैसा रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पर पाकिस्तान का मीडिया अभी के लिए क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो ये इन्विटेशन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जाना ही था, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का था, और इंडिया प्रेसिडेंट है, इंडिया तो चाहेगा कि सारे आए। अब ये मीटिंग जो है ये ऑनलाइन नहीं होनी थी, ये फिजिकल होनी थी, क्योंकि पिछली बार पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आए थे और कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी दे गए थे जिसके बाद एक एटमॉस्फेयर बना था कि शायद प्राइम मिनिस्टर भी कुछ गलत बोल दें पाकिस्तान के, और वो बोल सकते थे, तो इसलिए हम लोगों ने, इंडिया ने उसको थोड़ा सा बेटर तरीके से डील किया कि भैया ऐसा है, अब लेट्स डू इट ऑफलाइन। हाँ, नाउ सेकेंड एक चीज और के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शायद ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में वर्चुअली अटेंड करेंगे, क्या एजेंडा वो रखने वाले हैं वी हैव नो आइडिया, बट हाँ वो कश्मीर जरूर बोलेंगे। इसमें पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर बिना कश्मीर बोले तो वो तो जैसे बोलते हैं कि वो मीटिंग ही नहीं बनती ना, वो माहौल नहीं बनता, कोई इंटरनेशनल फोरम वाली वो फील नहीं आता, तो वो बोलेंगे। आई नो ही इज गोइंग टू स्पीक दैट एंड इट्स गोइंग टू बी डैम टफ फॉर अस टू हैंडल। नाउ इंडिया ये भी चाह रहा था कि क्योंकि आप पूरी वर्ल्ड का फोकस कश्मीर से बाहर, पाकिस्तान के अपने जो लोग हैं खास दोस्त जो हैं वो भी कश्मीर की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान अकेला है जो कश्मीर की बात करता है, कोई नहीं करता, सऊदी अरेबिया उसके साथ नहीं है, अभी इजिप्ट उसके साथ नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर ऑफ नाइल दिया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हालांकि पाकिस्तान के कहने पर वो श्रीनगर में जो मीटिंग थी G20 की उसमें नहीं गया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविलियन। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी को तीसरे मुस्लिम कंट्री ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, इससे पहले सऊदी और यूएई दे चुके। अब अगर शहबाज शरीफ इंडिया आकर के कश्मीर बोलते तो हमें उस पर रिएक्ट करना पड़ता, और पहले भी रिएक्ट किया गया। जो आपके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था जयशंकर साहब की तरफ से, और वो रिएक्शन मजाक नहीं था। दैट वॉज डैम सीरियस इशू, और डैम सीरियस इशू के बाद जो क्लियर कहानी क्लैरिटी आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि क्या कहानी है, रिलेशंस किस लेवल पे पहुंच गए वो है। काश पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर थोड़ा सा बेटर बोलते, थोड़ा सा बेटर सोच समझ के बोलते कि तो कुछ गड़बड़ होती नहीं है ना। नाउ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी कुछ ऐसा बोलते हैं, ठीक, वो एक टाइम बोलते हैं हमें दोस्ती चाहिए, एक टाइम बोलते हैं नहीं हम तो कश्मीर देखेंगे। तो उम्मीद ये थी कि वो फिजिकली यहाँ आते इस जुलाई समिट में, और बातचीत भी हो रही थी,
सारे सारे क्या बोलते डिप्लोमेसी सीट पे बात कर रहे थे कि वो भी फिजिकली यहाँ आएंगे, लेकिन इसको ऑनलाइन कर दिया गया। अब सोचने वाली बात ये कि इसमें बहुत सारे एजेंडा हैं और अपना एजेंडा वो लाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। इंडिया भी अपने एजेंडे पे काम कर रहा है, इंडिया आप इस मिशन को सक्सेसफुल करके छोड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं वो एक एक क्योंकि इलेक्शन सामने खड़े हैं इसलिए वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी कर सकते थे, ये भी दिमाग में था। और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग आपके आपके फॉरेन मिनिस्टर को करके चले गए, और वो जो वो गड़बड़ करके गए हैं वो सबको पता है कि कितनी गड़बड़ की उन्होंने, तो इसलिए नोबडी वांटेड दैट नॉनसेंस अगेन। अब तीसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शुड ऑल्सो नो के ये जो मीटिंग्स हो रही हैं ये एक फोरम की मीटिंग है, इंडिया पाकिस्तान बायलेटरल्स नहीं है, और बायलेटरल्स की अभी कोई चांस भी नहीं देख रहा है। बायलेटरल नहीं हुआ जयशंकर साहब के साथ हमारे बिलावल भुट्टो का, आप बायलेटरल इसमें तो कह रहा ऑफलाइन में तो बायलेटरल होना ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, बायलेटरल जैसा करना है अपना वर्चुअल करते रहो, बायलेटरल नहीं होना। यहाँ बायलेटरल मीटिंग्स होती अगर अगर ये ऑफलाइन होता तो ठीक है, और देन कुछ ऐसा भी पता लग रहा था कि शायद चाइना के प्रेसिडेंट भी आने के उनके भी कुछ शेड्यूल पड़े पड़ते तो ऐसा भी था, लेकिन जो डेट बनती है जो डेट बनाई जाती है दी जाती है वो डेट इसी हिसाब से दी जाती है कि सारे प्रेसिडेंट सारे प्राइम मिनिस्टर सारे इकट्ठे अवेलेबल हैं क्या, जिस दिन वो अवेलेबल होते हैं उसी दिन की डेट दी जाती है, तो ये कंसल्टेशन हुई होगी पहले से। इसके बाद चाइना के प्रेसिडेंट तो आएंगे G20 में आएंगे, G20 अगस्त में है वो आएंगे, लेकिन शाहबाज शरीफ साहब नहीं आ रहे। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग्स हैं वो हम लोग कर रही हैं, हमने सक्सेसफुल रही हैं। इस मीटिंग में कुछ ज्यादा डेंजर था हमें, क्योंकि वो तो और दूसरा वो आते हैं वो तो छाता लेके भाग जाते हैं, वो फ्रांस में एक लेडी का छाता लेके भाग गए थे, तो हम अपने हमारे पास छाते की कमी है, हम छाते नहीं देते सॉरी, तो हम लोगों ने अपना बोला कि भाई अब वहीं से रहो अपना, बारिश कम पहली सीजन चल रहा है इनको एक छाता कौन देगा, तो इसलिए हम लोगों ने अपना दूर से हाथ छोड़ लिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।